बिशुनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिशुनपुर थाना क्षेत्र के हपात जंगल से पुलिस ने भाकपा माओवादियों के द्वारा पुलिस का लूटा हुआ एक 303 राइफल सहित भारी मात्रा में गोली बरामद किया है। मंगलवार को बिशुनपुर थाना में गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस अधीक्षक गुमला को गुप्त सूचना मिली कि भाकपा माओवादी रविंद्र गंजू दस्ता का सदस्य इंद्रदेव खेरवार अपने मृतक ससुर के ब्राह्मण भोज में शामिल होने के लिए नीचे हपात गांव स्थित अपने ससुराल आया हुआ है, जिसके बाद तत्काल संयुक्त छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल में सीआरपीएफ 158 बिशुनपुर पुलिस के द्वारा टीम गठन कर क्षेत्र की घेराबंदी की गई, लेकिन घना जंगल का फायदा उठाकर नक्सली इंद्रदेव खेरवार फरार हो गया, जिसके बाद सीआरपीएफ 158 बटालियन व बिशुनपुर पुलिस के द्वारा मेटल डिटेक्टर एवं खोजी कुत्ता के द्वारा इंद्रदेव खेरवार के द्वारा हपात जंगल में छुपा कर रखे गए 303 पुलिस से लूटा हुआ राइफल, 303 देसी राइफल, 76 पीस गोली, वुडलैंड कंपनी का एक जोड़ा जूता पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि रविंद्र गंजू माओवादी रविंद्र गंजू के दस्ता के सदस्य इंद्रदेव खेरवार अपने मृत ससुर के 12वीं कर्म में अपने ससुराल नीचे हफ्ता आया हुआ है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ 158 बटालियन ई कंपनी जोरी पिकेट के पदाधिकारी बल एवं थाना प्रभारी बिशुनपुर सेट 8 के साथ उस सूचना का सत्यापन आवश्यक हेतु लोग गए, और वहाँ पर जाने के बाद मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्ता और एरिया डोमिनेशन के द्वारा इस इंद्रदेव खेरवार के द्वारा छुपा कर रखा गया एक पुलिस द्वारा लूटी गई 303 राइफल और एक देसी 303 राइफल बरामद किया गया, और उसके साथ 76 पीस 303 जिंदा गोली बरामद की गई है, और उस क्षेत्र में पुलिस की दबिश देखकर इंद्रदेव खेरवार घना जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर भाग गया है। इस क्षेत्र में प्रायः सीआरपीएफ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीआरपीएफ और बिशुनपुर थाना के पुलिस के साथ में प्रयास छापने की जाती है, और इस छापेमारी से सभी उग्रवादियों में भय व्याप्त है और पुलिस को बराबर इसमें कामयाबी मिल रही है। सर, इस क्षेत्र में कौन सा नक्सली संगठन सक्रिय है? इस क्षेत्र में रविंद्र गंजू का दस्ता सक्रिय है, जो प्रायः इसकी सूचना मिलती है और हम लोग उसके लेकर प्रायः हम लोग जंगल और पहाड़ों में छापेमारी की जा रही है और सफलता भी प्राप्त की जा रही है, जिससे उन लोग बैकफुट पा चुके हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।